कौन सी रॉन्ग कौन सी ठीक है तो 2.3 क्लियर ओके तब नेक्स्ट 2.5 2.5 सॉरी टू पॉइंट फाइव यहां तक के प्रॉब्लम ना सर सेम अलग ट्रांजेक्शन क्या कहाँ बैठना कौन सी बैठना फर्स्ट मैंने क्या लिखा बैंक होगा फाइव सिक्स डिग्री ट्वेंटी फाइव थर्टी यू गेट 2.5 कोई प्रॉब्लम नहीं ओके यस2.6 नहीं अलग तो एक लाइन में कह रहे हैं आप कैश बैंक लिख रहे हैं गलत हो जाएगा अलग लिख अमाउंट क्या लिखेंगे फिर आपको पता कैसे चलेगा बैंक बैलेंस कितना है और ऑफिस में कितने रखे हुए हैं मिक्स हो जाएगा ना अब आपको समझ में आ रहा है कि कैश आपके पास कितना है 750 और बैंक बैलेंस कितना है आपका 9000 इसलिए अलग अलग रिकॉर्ड करें हाँ कैपिटल तो प्लस हो क्या देगा
नेक्स्ट नेक्स्ट जी यहाँ तक प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.1 जरा 3.1 इसमें कुछ नई ट्रांजेक्शन है, कौन सी है, कौन सी रिटर्न गुड्स और कौन सी नई ट्रांजेक्शन है जो 2.3456 में नहीं थी। बॉड गुड्स, बॉड गुड्स, सोल गुड्स, रिटर्न गुड्स, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन 2.3456 पे नहीं। अच्छा पहले तो ये बताइए यहाँ गुड्स का मतलब क्या है, किसके लिए यूज हो रहा है गुड्स का, मर्चेंडाइज प्रोडक्ट क्या मतलब, जो चीज आप सेल कर रहे हैं, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं ना, राइट। तो जिस चीज का बिजनेस करते हैं उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं गुड्स, मर्चेंडाइज या आपके प्रोडक्ट। अब उसमें इसकी एंट्रीज बनाएंगे। अच्छा पहली एंट्री क्या होगी, वो तो सेम है, क्या बनेगी पहली एंट्री बता दें। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा ना, ये तो पहली एंट्री होगी। सेकेंड है बॉट गुड्स फॉर कैश। अच्छा गुड्स हम बाय कर रहे हैं, गुड्स आ रही हैं और कैश पे बाय किए तो कैश आपका जा रहा है। अच्छा गुड्स आ रही हैं तो क्या इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, एसेट और एसेट बढ़ेगा एसेट कम होगा, ठीक है। अच्छा जब हम गुड्स सेल करेंगे तब क्या इफेक्ट आएगा, एसेट कम होगा और एसेट बढ़ेगा, एसेट कम होगा कैश बढ़ेगा, क्या कह रहे हैं, एसेट बढ़ेगा एसेट कम भी होगा, दोनों बढ़ेंगे तो डेबिट हो जाएंगे दोनों। क्रेडिट में क्या आएगा फिर,
और गुड्स कम हो जाएंगे, यानी कि एसिड कम हो जाएंगे, एसिड ज्यादा हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। रेवेन्यू क्या होगी? रेवेन्यू बढ़ेगी, एसिड कम होगा, रेवेन्यू बढ़ेगी, क्रेडिट एसिड कम होगा, क्रेडिट एसिड बढ़ेगा, डेबिट और रेवेन्यू कम होगी, वो भी डेबिट। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है ना, इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करता है, रूल देखें। अच्छा ये बताएं, थोड़ा बताता, हाँ कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, हाँ ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज, कोई भी बिजनेस है उसकी इनकम क्या होती है? एक ट्रेडिंग बिजनेस है, बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो आपकी इनकम क्या होगी? इनकम क्या होगी, कैसे पैसे कमाएंगे? एक आपकी दुकान है, एक शॉप है, आप पैसे कैसे कमाएंगे? सेल करके, कैसे सेल करेंगे? प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट, अपने गुड्स सेल करेंगे ना, गुड्स सेल करेंगे तो क्या होगा, इनकम आएगी, इनकम होगी ना, गुड्स सेल करते जाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, जितनी ज्यादा सेल करेंगे उतनी ज्यादा इनकम होगी आपकी, बढ़ेगी ना। तो जब आप गुड सेल कर रहे हैं तो उसका मतलब कि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है ना, गुड सेल करते जा रहे हैं, इनकम इंक्रीज 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 हो रही है, ठीक है। और कैश पे सेल कर रहे हैं, कैश रिसीव हो रहे हैं, तो आपके एसेट इंक्रीज हो जाएंगे। सोल्ड गुड्स में तो क्या इफेक्ट आएगा, कैश इंक्रीज होगा और आपकी इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है, इनकम इंक्रीज, तो कैश इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज, डेबिट, इनकम इंक्रीज, क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा अभी ये गुड्स शॉर्ट करें, हमने सेल कर रहे हैं तो पहले खरीदी होंगी ना, तो सेल करने से पहले गुड्स बाय करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, कॉस्ट, कॉस्ट हो जाएगी ना, ठीक है। जैसे एक बात करें, मोबाइल शॉप है आपकी, एक आपने 50,000 का मोबाइल बाय किया और 60,000 में सेल किया, तो 60,000 क्या है, इनकम हो गई आपकी, सेल कर रहे हैं 60 में, और 50,000 में आपने बाय किया तो वो आपकी कॉस्ट हो गई ना, ठीक है। तो जब हम गुड्स बाय करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज, इफेक्ट क्या आएगा, गुड्स बाय करेंगे तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी, और जब गुड्स आप सेल करेंगे तो इनकम इंक्रीज होगी। तो गुड्स बाय करेंगे तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, और गुड्स सेल करेंगे तो आपकी इनकम इंक्रीज होगी। अब कॉस्ट को, कॉस्ट को किस हेड में लेके जाए, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, एक्सपेंस हो जाएगी ना आपकी कॉस्ट, एक्सपेंस एक ही बात है। तो इसके एंट्री क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, देखिए थर्ड वाले का, बॉट गुड्स फॉर कैश का, आप गुड्स बाय कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, और कैश में बाय कर रहे हैं तो आपको एसेट डिक्रीज हो रहा है, कैश कम हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ आता है। अच्छा नॉर्मली इंटर में ये बताया जाता है कि गुड्स बाय किया आपने, एसेट इंक्रीज हो गए, गुड्स सेल किए आपके एसेट डिक्रीज हो गए, वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। गुड्स बाय की तो आपके एसेट इंक्रीज हो गए और गुड्स सेल की तो आपके एसेट डिक्रीज हो गए। अब सेल करने पे अगर एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो इनकम कब इंक्रीज होगी, सेल करने पे इनकम होती है ना, पर आप कह रहे हैं एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये क्या बात है, सेल करने पे इनकम इंक्रीज होगी, ऐसे डिक्रीज होंगे, इनकम होगी ना, गुड सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो आपकी इनकम इंक्रीज होती जाए, ठीक है। तो वो फर्स्ट ईयर वाला कॉन्सेप्ट बुलाते हैं अब इसका। तो जब हम गुड्स बाय करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, आपकी कॉस्ट एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, और जब आप गुड्स सोल्ड करेंगे तो आपकी इनकम इंक्रीज होगी, अभी याद रखिएगा। अब इसमें क्या होगा, बॉट गुड्स फॉर कैश, तो आपकी कॉस्ट या एक्सपेंस इंक्रीज हो गए और आपका कैश डिक्रीज हुआ। तो अब रूल्स क्या हमारे, एस कॉस्ट या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और कैश ऐसे डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। अच्छा इसको डेबिट में रिकॉर्ड किस नाम से करेंगे, गुड्स लिखेंगे या किस नाम, हाँ तो इसको जब हम गुड्स बाय करते हैं तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस के नाम से, जब भी गुड्स बाय करेंगे तो परचेजेस का अकाउंट बनेगा, गुड्स के नाम से कोई अकाउंट नहीं होता।
एनपीओ की गोल्स बाय की हमने परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट तो अब याद रखिएगा परचेजेस की नेचर क्या है, एक्सपेंस। अब नेक्स्ट, फिर बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, अच्छा क्रेडिट पे बाय कर रहे हैं तो वही एंट्री होगी एक्सपेंस इंक्रीज, परचेजेस डेबिट और क्रेडिट पे बाय किया तो लैबिट इंक्रीज, अकाउंट पेबल क्रेडिट। नेक्स्ट है सोल गुड्स फॉर कैश, अब कैश रिसीव होगा, एसेट इंक्रीज हुए और गुड्स हम सेल कर रहे हैं तो आपकी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी, तो एसेट इंक्रीज इनकम इंक्रीज। अब रूल्स क्या, एसेट इंक्रीज डेबिट, डेबिट होगा कैश और इनकम इंक्रीज हो रही है क्रेडिट करेंगे और क्रेडिट हम इसको करेंगे सेल्स का, तो जब भी गुड्स सोल्ड करेंगे तो सेल्स का अकाउंट बनेगा, गुड्स बाय करेंगे तो परचेजेस अकाउंट बनेगा और गुड्स सेल करेंगे तो सोल्ड होंगे तो सेल्स अकाउंट। यहां तक कॉपी कर दो, इसे कंप्लीट करेंगे या पहले कंप्लीट कर दें, कंप्लीट करा दो एक साथ कॉपी कर दें, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है क्वार्टी, क्या वो रिटर्न गुड्स टू एफ हर्ट, अच्छा देखिए ये 7 को हमने 7 जुलाई को एफ हर्ट से गुड्स बाय की थी क्रेडिट पर, अब उसमें से कुछ फॉल्टी निकली जो हमने एफ हर्ट को रिटर्न कर दी, अब एंट्री क्या होगी, हाँ इसमें लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी तो अकाउंट्स पेबल डेबिट होंगे और गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं तो एक्सपेंस कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी तो वो क्रेडिट में जाएगा, सही। हाँ अब इसकी एंट्री होगी पहले के रिटर्न कर रहे हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, अकाउंट्स पेबल डेबिट, अच्छा गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं तो कॉस्ट एक्सपेंस कम हो रहे हैं, क्रेडिट क्रेडिट में फिर अकाउंट बनेगा इसका परचेज रिटर्न के साथ, तो जब भी गुड्स रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न अकाउंट बनेगा, बाय करते वक्त परचेजेस और रिटर्न करते वक्त परचेज रिटर्न। उसके बाद 18 है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, तो योगी परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, नेक्स्ट रिटर्न गुड्स टू डी एक्स डॉटर, अच्छा ये गुड्स हमने बाय की थी 18 को और 21 को रिटर्न कर दी तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, अब योगा अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, गुड्स बाय की तो परचेज डेबिट और रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, अलग अकाउंट बनेंगे, क्लियर है यहां तक। तो नेक्स्ट 24 सोल गुड्स टू बी स्क्वायर ऑन क्रेडिट, इसका क्या इफेक्ट होंगे, दो इफेक्ट बताएं, पहले एसेट इंक्रीज और एसेट इनकम इंक्रीज होगी ना, अब एसेट कौन सा इंक्रीज हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो कैश हमें नहीं मिलेगा, अब हमारे रिसीवेबल्स इंक्रीज हो जाएंगे ना, और रिसीवेबल्स की नेचर क्या है, एसेट, अब डेबिट में हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, टाइम क्या होगा, कहाँ से लिखोगे, कौन सा ऑफिस टाइमिंग का खाली चाहिए, और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, इसके एंट्री हो गया अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। क्लियर क्लियर, ओके। और नेक्स्ट 25 पे एफर्ट अकाउंट बाय कैश, अब इसके क्या एंट्री होगी, अब एफर्ट को पे कर रहे हैं, अच्छा पे क्यों कर रहे हैं, पे क्यों कर रहे हैं, उससे गुड्स बाय किया होगा ना हमने, यहाँ देखिए नंबर 7 को हमने गुड्स बाय की थी क्रेडिट पर, अब उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी और कैश डिक्रीज हो जाएगा ना,
लायबिलिटी डिक्रीज होगी, अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो गया। अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, लास्ट बी स्क्वायर पेड अस इज अकाउंट इन कैश। तो बी स्क्वायर हमें पे कर रहा है, हम पे कर रहे हैं, हम वो हमें पे कर रहा है, ठीक है। पे क्यों पे कर रहे हैं? तो हमने सेल की होगी, कुछ रिसीवेबल होंगे ना। यहाँ देखिए 24 को हमने गुड सेल की थी क्रेडिट पर, तो उसका क्या हुआ था, आपके रिसीवेबल इंक्रीज हो गए थे ना, अब उसकी पेमेंट आ रही है, तो क्या होगा, कैश इंक्रीज और अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होगा, डिक्रीज। तब कैश इंक्रीज होगा डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होंगे क्रेडिट। एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। क्या होने चाहिए, डेबिट हो जाएगा ना, क्यों होगा, दिए ना, लेने थोड़ी हमने दिए, पैसे दे रहे हैं, पैसे आए, कैश आया, कैश आपका इंक्रीज हो गया, एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट में आ गया। अच्छा, अब वो क्यों पे कर रहे हैं, उसने हमसे सामान खरीदा था, तो जब सामान खरीदा था तो वो उधार पे लिया था ना, उस वक्त हमने एंट्री क्या बनाई थी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, तो रिसीवेबल हमारे इंक्रीज हो गए थे, अब पैसे आ गए तो रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएंगे, तो डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, तो ये एंट्री होगी कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। क्लियर, तो प्रॉब्लम नहीं, चलो इसको कॉपी कर ले, बैक कर देता हूँ, तो साथ में कॉपी कर ले, और अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। स्टार्ट करें, मतलब 3.2 सॉल्यूशन एंट्री टैली कर लें, ये तो सेम है। अच्छा यहाँ तक सेम, कोई गलती नहीं, एक मिनट काम रह गया, नेक्स्ट नहीं बैन, नहीं बैन ही है। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर लें, परचेज परचेज रिटर्न, सेल्स सेल्स रिटर्न, ये सिर्फ गुड्स के लिए यूज हो गया था, ये चार अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए यूज होते हैं, गुड्स के अलावा कोई भी एसेट बाय करें सेल करें या रिटर्न करें वो अपने नाम से रिकॉर्ड, जैसे 2.3456 में हमने किया था ना, वैन था तो वैन लिख रहे थे, फर्नीचर था फर्नीचर, लैंड था लैंड, बिल्डिंग है बिल्डिंग। तो ये परचेज परचेज रिटर्न सेल्स सेल्स रिटर्न के अकाउंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए यूज होंगे, तो गुड्स के अलावा कोई भी एसेट बाय करें सेल करें या रिटर्न करें वो अपने नाम से ही रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ बॉट वैन का वैन लिखेंगे, यहाँ परचेज का अकाउंट नहीं बन रहा है, सेम सेम दोबारा से शुरू, नेक्स्ट सही है, ठीक है। 12 19 22
19 में क्या समझ रहे हैं आप? पढ़ेंगे क्या लेकिन ट्रांजेक्शन रीड करें। हाँ सोल गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स सेल कर रहे हैं तो कैश आ रहा है ना, कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज हुआ डेबिट, और इनकम इंक्रीज हो रही है क्रेडिट। नेक्स्ट जी जी पहले तो चलें लोन पेबल क्यों है, क्या लिखा हुआ है लेंडर, इसका मतलब क्या है? उधार उससे हमने लिया, हमने उधार लिया ना, तरह लोन नहीं लिया बोरो किया। जब उधार लेंगे पैसे ले रहे ना, उसको फिर डिफरेंशिएट करने के लिए लोन पेबल। जैसे यहाँ पे जैसे था बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, इसमें क्या लिखेंगे आप? अकाउंट्स पेबल। अच्छा यहाँ भी अगर आप अकाउंट्स पेबल लिखे हैं तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि आपने गुड्स बाय किए तो पे करने या बोरो किए तो पे करने? डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि लोन लिया या गुड्स खरीदे? दोनों में अकाउंट्स पेबल लग जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपने गुड्स बाय की थी या बोरो किया? डिप्रिशिएट करने के लिए जब गुड्स बाय करेंगे तो उसमें अकाउंट्स पेबल लिखते हैं, और जब बोरो करेंगे तो उसमें लोन पेबल लिखेंगे, ताकि आपको पता हो कि आपने लोन लिया हो। क्या हो रहा है इसमें बताएं? पैसे आ रहे हैं वो हमें पैसे दे रहे हैं ना, कैसे दे रहे हैं? चेक के थ्रू चेक दे रहे हैं ना। चेक का क्या करेंगे हम चेक का क्या करेंगे? उससे चेक लेकर क्या करेंगे? बैंक में जमा करवाएंगे। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा या कैश इंक्रीज होगा? कहाँ है बैलेंस? हाँ बैलेंस थोड़े तो वो दे रहा है, उसमें तो दे रहे बाय चेक, चेक मिला, चेक बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा ना, और अब उधार दे रहे हैं हमें तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। क्या हम उससे उधार ले रहे हैं तो कल को पे कर रहे हैं, वो लाइबिलिटी लोन पे से होगा। तो डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? वही तो अभी समझाया था मैं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? अकाउंट्स पेबल, और यहाँ भी आप लिखते हैं अकाउंट्स पेबल, पता कैसे चलेगा लोन लिया या कुछ बाय? वहां तो लिखा हुआ होगा, मान लेते मसला होगा ना। अब जैसे नॉर्मली आप बैंक से लोन लेते हैं उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो लोन अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी उस पर कैलकुलेट करेंगे। अगर पेबल के साथ कंबाइन कर देंगे तो पता कैसे चलेगा? पता नहीं चलेगा, तो डिफरेंशिएट कर देंगे। अब जैसे देखिए कैश आपका एसेट है, बैंक भी एसेट है, अलग अलग अकाउंट क्यों बना रहे? कैश और बैंक दोनों आपके पैसे ही है ना, कैश के ऑफिस में रखा हुआ है, बैंक बैलेंस आपका बैंक के पैसा रखा हुआ है, दोनों जगह पैसे ही है ना, तो अलग अलग अकाउंट क्यों बना रहे? हाँ तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने अलग अलग अकाउंट बना था ना, तो कैश से पता चलेगा हाथ में कितने, और बैंक से पता चला बैंक बैलेंस कितना है, डिफ्रेंशिएट हो गया। दोनों जगह कैश या बैंक लिखते तो वो मिक्स हो जाएगा, डिफरेंस ही पता चलेगा ना, इसलिए तो डिफरेंस रखने के लिए अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। अब जैसे वैन है, मशीन है, बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर सब एसेट है, एक ही अकाउंट बना दे एसेट के नाम से, डिफरेंशिएट नहीं होगा कि कितनी वैन है, कितना फर्नीचर है, कितने की बिल्डिंग है, कितने का मशीनरी है, इसलिए अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। जैसे जब गुड्स बाय करते हैं तो अकाउंट पेबल बनता है, और जब बोरो करेंगे तो लोन पेबल बनेगा, ताकि डिफरेंशिएट हो सके कि आपने गुड्स बाय की या बोरो की। जी हाँ नहीं वो गलत नहीं होगा, वो लिख सकते हैं व्हीकल्स मोटर व्हीकल एक ही बात। अच्छा जी और कोई 12 कौन कह रहा था अभी? एक 12
22nd, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा चेक कर लो, चेक कर